ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 15 मई तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारी विभिन्न जिलों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट का आज निरीक्षण किया। कहा कि अंबिकापुर से दिल्ली, बनारस और रायपुर के लिए विमान सेवा शुरू करने संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को हिरासत में लिया। और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल आयोजित की जाएगी नीट परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने विभिन्न जिलों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 13 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। ये अधिकारी 15 मई तक जिलों में निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं भी कुछ जिलों का दौरा करेंगी। गौरतलब है कि प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच होना संभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा की है। WHO का ये बयान महामारी की समाप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। WHO की अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम आपातकाल समिति ने कल कोविड महामारी पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरगुजा में महामाया एयरपोर्ट बड़े विमानों को उतारने के लिए तैयार हो गया है। 48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1800 मीटर एयर स्ट्रिप से यह संभव हुआ है। 374 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में भविष्य में अधिक संख्या में बड़े विमानों को उतारने के लिए एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस एयरपोर्ट में निजी विमान भी उतर सकेंगे और बड़े विमानों की लैंडिंग से सरगुजा के पर्यटन का तेजी से विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 3 दिनों बाद DGCA की टीम यहां निरीक्षण के लिए आने वाली है। इसके तुरंत बाद लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके बाद अंबिकापुर से दिल्ली, बनारस और रायपुर की फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव विमानन मंत्रालय को भेजा जाएगा। प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से लैस किया जाएगा ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विकासखंड में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य करें। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केंद्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 1 से 30 अप्रैल तक किया गया। अद्यतनीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा आपत्ति ली जाएगी। वहीं 18 से 25 मई तक दावा आपत्ति वाले प्रकरणों में किए गए निराकरणों का पुनः ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भिलाई इस्पात संयंत्र सेल के दल्ली राजहरा स्थित लौह अयस्क परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दल्ली मैकेनाइज्ड माइंस में क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग प्लांट, वॉशिंग सर्किट में मॉडिफिकेशन एरिया और पैलेट प्लांट क्षेत्र सहित अन्य परियोजना स्थलों का भी निरीक्षण किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। ईडी की टीम ने 2 दिन पहले नोटिस जारी कर रायपुर महापौर एजाज ढेबर और उनके भाई अनवर ढेबर को ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन अनवर ढेबर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, जबकि एजाज ढेबर से पूछताछ की गई थी। इस बीच आज एजाज ढेबर को नोटिस देकर दोबारा ईडी दफ्तर बुलाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के बाद ईडी की टीम ने कुछ दिनों पहले एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के यहां छापा मारा था।
अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बेमेतरा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। करीब 15 मिनट अवधि का ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 से आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किया जाएगा। इसे बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 2.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 63 लाख रुपए बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रेहटीखोल सिंघोड़ा सीमा पर वाहनों की जांच के दौरान ओडिशा की तरफ से आ रहे एक वाहन को पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की में 6 प्लास्टिक की बोरी में रखे करीब 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में बसना थाना पुलिस ने सिटी ग्राउंड के पास एक वाहन से 100 किलो गांजा जब्त किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में केके रेल लाइन पर बचेली और भांसी के बीच आज सुबह मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इसके चलते इस रेल मार्ग पर कुछ समय के लिए रेल यातायात प्रभावित हुआ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात बहाल किया जा सका। बताया गया है कि यह घटना तकनीकी कारणों से हुई। घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है। रेल प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 12 बोर की एक बंदूक, 4 नग कारतूस सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम गश्त पर निकली हुई थी। इस दौरान कोडेकुरसे और खुरसे कला के जंगल से इस माओवादी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। गिरफ्तार माओवादी पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध पंजीबद्ध है। कोंडागांव पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लगातार हो रही ठगी की घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले वे इसे अच्छी तरह समझ लें और एप्लीकेशन की सत्यता जांच लें। क्रिप्टो करेंसी किसी बैंकिंग प्रणाली या शासन के नियंत्रण में नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का जोखिम और जवाबदेही सिर्फ निवेशक की होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी डॉ चंदन यादव कल से 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे कल सुबह विमान द्वारा रायपुर पहुंचेंगे और यहां से अंबिकापुर जाएंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री यादव अंबिकापुर और रायपुर में आयोजित पार्टी की विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक कार्नियल दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की संचालक भीम सिंह ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अंधत्व और अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बैठक में राज्य में नेत्र सेवाओं के क्षेत्र में सफलतापूर्वक सेवा प्रदायगी और 100% उपलब्धि प्राप्त करने पर राज्य नोडल अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक ऑपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में नेत्र सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और शिविरों में ऑपरेशन नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष 1,35,000 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। यह संख्या प्रदेश में एक वर्ष में अब तक किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्वाधिक है।
राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा रामनगर स्थित दिशा कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी गई। अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल 13,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में 5,800 लोगों की मृत्यु और 11,695 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कल 7 मई को जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर उन्हें नमन किया है। जांजगीर चांपा जिले के वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में ज्ञानदीप स्कूल में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी ने विद्यार्थियों को करियर के संबंध में मार्गदर्शन दिया। कोंडागांव जिले में केशकाल के डीहीपारा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 मई को सुबह 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर ने दुर्ग तहसील के पटवारी हल्का नंबर 50 की पटवारी को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में अंजोरा बायपास के पास आज बस और ट्रेलर के बीच हुई भिड़ंत में बस चालक की मौत हो गई, वहीं 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट बाजार में खपाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5,500 के 25,000 रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 15 मई तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारी विभिन्न जिलों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट का आज निरीक्षण किया। कहा कि अंबिकापुर से दिल्ली, बनारस और रायपुर के लिए विमान सेवा शुरू करने संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को हिरासत में लिया। और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल आयोजित की जाएगी नीट परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।